90 दशक का वह दौर था, याद कीजिए, जब टीवी पर इतने विज्ञापन तो नहीं आते थे, लेकिन जो आते थे वह आज भी लोगों के दिलों दिमाग में ऐसे छाए हुए हैं कि आज तक लोग भुला नहीं पाए हैं। आपको वॉशिंग पाउडर निर्मा का वह विज्ञापन तो याद होगा, जिसके पैकेट पर एक सफ़ेद फ्रॉक पहने एक छोटी बच्ची आती थी। आज हम इसी विज्ञापन के बारे में आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसको पढ़कर आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। क्या आप जानते हैं निर्मा के पैकेट पर ये लड़की कौन है? चलिए हम आपको बताते हैं। गुजरात के करसन भाई ने 1969 में निर्मा वॉशिंग पाउडर की आधारशिला रखी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि करसन भाई की निरुपमा नाम की एक बेटी थी, जिससे वह बेहद प्यार करते थे और प्यार से निर्मा कहते थे। वह अपनी आंखों से एक पल भी अपनी बेटी को ओझल नहीं होने देते थे। करसन भाई चाहते थे कि उनकी बेटी बड़ी होकर पूरी दुनिया में छा जाए। समय की मार तो देखिए, एक एक्सीडेंट में निर्मा की जान चली गई। बेटी की मौत ने करसन भाई को अंदर से तोड़ रखा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और निर्मा वॉशिंग पाउडर का निर्माण किया, जिससे पैकेट पर उन्होंने अपनी बेटी की तस्वीर लगाई। सरकारी नौकरी करने वाले करसन भाई खुद अपनी साइकिल पर अपने निर्मा वॉशिंग पाउडर की बिक्री करते थे। करसन भाई का एक ही सपना था कि उनकी बेटी के नाम से निकला ये वॉशिंग पाउडर पूरे देश में नाम कमाए। फिर एक दिन करसन भाई ने अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन कराने की सोची और उसका विज्ञापन करा ही दिया। निर्मा वॉशिंग पाउडर का ये विज्ञापन जिस जिंगल के साथ टीवी पर आया, आते ही लोगों के दिलों और दिमाग में छा गया। पहले जहां करसन भाई खुद दुकानों पर निर्मा वॉशिंग पाउडर सप्लाई करते थे, अब लोग खुद उनको ढूंढने लगे और उनका प्रोडक्ट खरीदने लगे। अपनी बेटी के नाम को अमर करने का सपना लेकर निर्मा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत करने वाले करसन भाई का यह सपना आखिरकार पूरा हो ही गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहें सबसे पहले। तब तक के लिए धन्यवाद।